कुछ दिन पहले सरयुग जी ने एक विचित्र फेसबुक लाइव किया था कुछ लोगों को बचाने के लिए, और भुइयाडी बस्ती की बात चल रही थी, उस बीच में सरयुग राय जी के ऊपर एक एफआईआर की खबर आती है। खुलेआम रघुवर दास जी के सरकार के समय, भाजपा के समय, भ्रष्टाचार के लगातार जो है कहानियां जो सार्वजनिक हो रहे हैं। एक व्यक्ति आज मिला एक कार्यक्रम में, बोला कि जब रघुवर दास चॉकलेट खा रहा था और हेलीकॉप्टर और हाथी उड़ा रहा था, तब सरयुग राय जी हाथ साफ कर रहे थे। एक गरीब आदमी ने अभी बोला था बिरसा नगर में, जो सरयुग राय जी के खिलाफ जो एफआईआर है, जो आपके पास प्रतिलिपि, अगर प्रतिलिपि नहीं है तो एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, हम आपको सबको दे देंगे। एफआईआर की कॉपी बड़ी इंटरेस्टिंग एफआईआर है, और उसमें दो तीन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको, प्रमुख चीज़ों को जो है आपको बताना चाहूँगा। जो सेक्शंस लगे हैं सबको मालूम है, जो चीटिंग के धारा हैं 420, 409, 408, षड्यंत्र रचाना। सरयुग राय जी जो है उस वक्त मंत्री थे रघुवर दास जी के सरकार में, और ये जो भ्रष्टाचार के जो एफआईआर जो कल मनोज सिंह द्वारा की गई है, एक आहार पत्रिका करके पत्रिका सरयुग राय जी ने निकाला है। अब ऐसा पत्रिका है कि कोई नहीं देखा है, पता नहीं आप लोग ने किसी ने देखा, क्योंकि मैं खोज रहा हूं लालटेन के साथ, लाइट के साथ, टॉर्च के साथ, आवाज देकर के, कोई ये आहार पत्रिका अगर किसी के पास कॉपी है तो हमें बहुत खुशी होगी। ये आहार पत्रिका कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है, आपके पास अगर उसका कॉपी है तो बता दीजिए, क्योंकि इसमें 3 करोड़ 26 लाख का जो है खर्च हो चुका है। जिस पत्रिका में 3 करोड़ 26 लाख खर्च हुआ, उसका एक तो कॉपी तो अपने गृह क्षेत्र में तो होनी चाहिए। आज हमारे 8-10 कार्यक्रम था, हमने सबसे पूछा कि ये आहार पत्रिका, आहार पत्रिका, सब आश्चर्यचकित, होता क्या है। मैंने कहा सरयुग जी ने छपाया था 3 करोड़ 26 लाख 38 लाख खर्च करके। और ये आहार पत्रिका का कहानी और विचित्र है। सरयुग राय जी के एक पहले से एक निजी सचिव है, आप जानते होंगे उनके, हाँ एक मामले, सॉरी आनंद कुमार, आनंद कुमार को सरयुग राय जी, देख थैंक यू रविंद्र जी, आनंद कुमार को सरयुग राय जी एक विशेष बुलेटिन के माध्यम से घोषित कर देते हैं कि इनको कार्यकारी संपादक बना देते हैं। ठीक है, ग्रेट मैन, नॉट ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है सरयुग राय जी। अपने निजी सचिव को ऐसा पत्रिका का जो है कार्यकारी संपादक बना देते हैं जिसकी प्रतिलिपि किसी के पास नहीं है, और उनको जो है नौकरी देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाजपा के मंत्री लोग कोई भी अखबार में विज्ञापन देंगे और कुछ दिन बाद बोलेंगे अरे हमारा संपादक बना दो। मामला तो यही है, इतने भी हमारे जो प्रेस के साथी हैं, किसी में बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट दे देंगे 3 महीने के लिए, और कुछ दिन बाद बोलेंगे ठीक है एडवर्टाइजमेंट दिया आपको, अब पैसा ले लिया आपने, अब हमारा दो जो निजी सचिव है उसको एडिटर बना दो। ये इनकी जो है पॉलिटिकल लेवल है। दूसरा एक और पदाधिकारी जो इस पूरे घोटाले में शामिल थे, सुनील शंकर, रिटायरमेंट से पहले देखिए चाणक्य जी जो है सोचते हैं कि सब बहुत तेज है, लेकिन नहीं समझ में आता है कि भाई साहब ये कोई गलत करने के लिए तेज होने की जरूरत नहीं है, या गलत करना कोई तेज होने वाले काम नहीं है। तो आनंद शंकर को वो धनबाद में पोस्टिंग करा देते हैं, सुनील शंकर को धनबाद के पोस्टिंग कर देते हैं। अब उसे पेट नहीं भरा, अब सरयुग जी को कुछ लोग चाणक्य कहते हैं, कुछ लोग बाबा कहते हैं। तो बाबा कंप्यूटर एक कंपनी है, उस एफआईआर में भी बाबा कंप्यूटर कंपनी को 8 गुना बार जो सरकारी रेट है, जैसे आपको मान लीजिए अगर पीसी देना है 30,000-40,000 में, तो सरयुग जी ने राष्ट्रवादी विचार रखते हुए 8 गुना बार जो उस, क्योंकि देश में जो है इंडस्ट्री को जो है प्रोत्साहित करने के लिए बाबा कंप्यूटर से 8 गुना बार खरीद लिया। अब देख लीजिए इस आदमी का जो है
किस तरह का समर्पण है कि उन्होंने जो सामान जो 1 रुपये में मिलता है उसने 8 रुपये में खरीदा, जो 30,000 का कंप्यूटर है वो 24,000 में खरीद लिया। और वो भी देखिए इनकी जो, क्योंकि सरयुग जी को कोई बाबा बोलते तो उन्होंने बाबा कंप्यूटर से भी खरीद लिया,